दिव्यांग एवं दलित लोगों को समर्पित नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की हमीरपुर शाखा द्वारा निशुल्क दिव्यांग जांच, चयन व उपकरण वितरण तथा कृत्रिम अंग नाप शिविर का स्थानीय टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्यांगों के लिए आयोजित इस शिविर में 70 से ज्यादा लोगों को राजस्थान से आई डॉक्टरों की टीमों के द्वारा जांच की गई। शिविर के उपरांत 15 लोगों को ऑपरेशन के लिए भी चयनित किया गया। वहीं 15 लोगों को व्हीलचेयर तथा 11 लोगों को बैसाखियां और 12 लोगों को कृत्रिम अंग लगाने के नाप भी लिए गए। दिव्यांग एवं दरिद्र लोगों को समर्पित नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की हमीरपुर शाखा द्वारा निःशुल्क दिव्यांग जांच, चयन व उपकरण वितरण तथा कृत्रिम अंग नाप शिविर का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। दिव्यांगों के लिए आयोजित इस शिविर में 70 से ज्यादा लोगों की राजस्थान से आई डॉक्टरों की टीम ने जांच की। शिविर के उपरांत 15 लोगों को ऑपरेशन करने के लिए चयनित भी किया गया। वहीं 15 दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर व 11 लोगों को बैसाखियां और 12 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाने के लिए नाप भी लिए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने दानी सज्जनों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा को लेकर नारायण सेवा संस्थान उदयपुर मानवता की सेवा में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी में मानवता की सेवा के लिए लोगों द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों को देखकर हमारे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संस्था द्वारा मानवता की सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ऐसे कार्यों से समाज में सकारात्मकता बढ़ती है। मानवता की सेवा के लिए लोग समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। उन्होंने नारायण सेवा संस्था उदयपुर के संस्थापक कैलाश मानव द्वारा मानवता के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम क्यों नहीं कर सकते, अदरवाइज देखा जाए तो दुनिया में हम इतना तेज भाग रहे हैं कि मतलब जैसे एज ए डिप्टी कमिश्नर मैं देखता हूँ दिन भर आपस में झगड़ों में लड़ाई में और कानून मतलब उसमें उलझे हुए। लेकिन जैसे नारायण सेवा संस्थान है या बहुत सारी जो अदर संस्थान हैं, कुछ लोग जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं उनको देख के पॉजिटिविटी भी आती है। दोनों चीजें हैं, समटाइम्स नेगेटिविटी समटाइम्स पॉजिटिविटी, बट ये आज यहाँ संडे को हम यहाँ बैठे हैं, अभी ऑल ओवर हिमाचल से किन्नौर से इनफैक्ट अगर उदयपुर से संस्थान में इतने सीनियर डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट यहाँ के देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और इसके लिए जो हमारे दिव्यांग हैं एक बहुत पुण्य का काम है। लास्ट 35 ईयर से ये संस्था काम कर रही है। डाटा यहाँ इतना तो कर सकते हैं कि आपकी सराउंडिंग में कोई दिखता है कि इसको प्रॉब्लम है। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सारी सुविधाएं हैं, बड़े अच्छे हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो आप उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन के पास ला सकते हैं। हम अपनी मदद करते हैं और भी चीजें, संस्था अपनी मदद करती है, तो एक ये भी मानव सेवा हो जाती है। उस जिसको नीड है उसको प्रॉपर गाइड कर देना कि भाई आप एक ऐसी संस्था है, गवर्नमेंट की ये स्कीमें चली हुई हैं, आपका हम यहाँ इलाज करवा सकते हैं। तो बड़े अच्छी बात है, इसमें मैं बधाई देना चाहूंगा आपके ऑर्गेनाइजर और मन कोटिया जी को। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इस मामले में वीक हूँ, मैं मिलता रहता हूँ लेकिन नाम और उस मामले में थोड़ा वीक ही हूँ मैं, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना, कईयों के नाम छूट भी होंगे, हो सकता है मैं गलत ही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, बट आई थिंक आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। मैं शास्त्री जी और आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप इतनी अच्छी गौशाला चला रहे हैं और हमारे लिए प्राउड की बात भी है कि 25+ गौशाला में लगभग 1800-1900 गौमाताएं वहाँ है और ये विदाउट एनी आउटसाइडर सपोर्ट अपना लोकल लेवल पे मैनेज कर रहे हैं। तो सभी को अगेन बहुत बहुत बधाई, ये बच्चा आया है, ऐसे अच्छी बात है कि ये साइकोलॉजी में, क्योंकि ये बेटा पढ़ रहा होगा तो साइकोलॉजी से सारी चीज स्टार्ट होती है। साइकोलॉजी में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये जहां से सुंदरनगर से है, मैं 2013-14 में आईएसटीएम रहा, तो मेरे को ध्यान है कि कितना पॉजिटिविटी वाला रहता है। जब मैं अपने रेड क्रॉस को कंपेयर करता हूँ,
मंडी के रेट को उसको कंपेयर करता हूँ, हमारे पास 4-5 लाख की इनकम है साल की, मंडी के रेट को उसकी 100 टाइम्स इनकम है 4-5 करोड़ में। तो ऐसे ही आता है कि किस तरह से हम पार्टिसिपेंट्स को, जैसे बड़ी सारी संस्थाएं यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, सीनियर सिटीजन ग्रुप बड़ा अपना हॉस्पिटल में फ्री खाना दे रहे हैं, आप लोग बड़ा अच्छा काम करो, तो सब जगह डोनर्स हैं, सब जगह बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे बेटा का हम उदाहरण देते हैं, ऐसे ही लोगों से एक पॉजिटिविटी आती है। संस्था की हमीरपुर शाखा के अध्यक्ष रसील सिंह मनकोटिया ने कहा कि हमीरपुर शाखा आज यहां पर 5वां कैंप आयोजित कर रही है। संस्था द्वारा इससे पहले मंडी, कांगड़ा व ऊना में दिव्यांगों के लिए कैंप लगाए जा चुके हैं। अब तक शाखा द्वारा 700 लोगों को निशुल्क ऑपरेशन उदयपुर में करवाया भी गया है। उनके उदयपुर जाने और रहने का पूरा खर्च शाखा द्वारा वहन किया जाता है। ऑपरेशन के लिए चयनित दिव्यांगों को 2 महीने के अंदर उदयपुर में ही ऑपरेशन करवाया जाता है। बोले सर, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के शाखा हमीरपुर ने आज यहां पर अपना 5वां कैंप लगाया और इस कैंप में आज लगभग 70 OPD दर्ज हुई और जिसमें से 15 लोगों को व्हील चेयर, 11 लोगों को बैसाखियाँ और 15 लोग ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं आज के इस कैंप में। इससे पहले भी नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से जिला मंडी, ऊना और कांगड़ा में ऐसे कैंप लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर शिविर में एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा, नगर परिषद की अध्यक्षा सुलोचना देवी, उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज, नगर परिषद मनोज संस्था के उपाध्यक्ष बलदेव दिमान, गौ सेवा समिति के अध्यक्ष सुखदेव शास्त्री, भाजपा नेता प्यारेलाल शर्मा, बीना शर्मा, राकेश पठानिया और उदयपुर से शिविर के संयोजक अखिलेश अग्निहोत्री व डॉक्टर विजेंद्र शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।